हेलो दोस्तों, स्केचअप के इस पार्ट में हम मैच फोटो के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रे के बारे में देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा डिफॉल्ट ट्रे और इसमें आपको अलग अलग डायलॉग बॉक्स दिखने को मिल जाएंगे। अगर आप इसको चाहे तो यहाँ पे क्रॉस मार्क को प्रेस करके आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, तो आपको जो डायलॉग बॉक्स है वो हट जाएगा। आप डिफॉल्ट ट्रे को भी इस तरह से हटा सकते हो। विंडोज में जाके डिफॉल्ट ट्रे में जाके शॉर्ट ट्रे करेंगे तो हमारी जो डिफॉल्ट ट्रे हो वापस आ गई। फिर से हम विंडोज में जाएंगे, डिफॉल्ट ट्रे में जाएंगे और यहाँ पे अगर हम एंटिटी इन्फो के डायलॉग चाहिए तो उसको सिलेक्ट करेंगे। मटेरियल्स का चाहिए तो मटेरियल्स का डायलॉग बॉक्स चेक करेंगे। तो इस तरह से हम डायलॉग बॉक्स को यहाँ ला सकते हैं। अगर आप मैनेज ट्रे में जाएंगे तो यहाँ से देखो डिफॉल्ट ट्रे में सिलेक्ट करके आप डायलॉग्स को मैनेज कर सकते हो। ये देखिए सारे डायलॉग बॉक्स हमने चेक किया था तो डिफॉल्ट ट्रे में सारे के सारे डायलॉग बॉक्स आ गए। अगर आप चाहे तो आप अपना खुद का न्यू ट्रे भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं इस ट्रे को नाम दे देता हूँ माय ट्रे, ठीक है। अब मुझे जिन जिन डायलॉग्स की जरूरत होती उस तरह से मैं चेक करते जाऊँगा। जैसे मैच फोटोज मुझे चाहिए, कंपोनेंट्स की जरूरत है और मटेरियल्स की भी, तो ऐड कर देता हूँ। तो ये देखिए नीचे आपको माय ट्रे और डिफॉल्ट ट्रे दोनों दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो इस तरह से स्विच कर सकते हैं। मैं अभी डिफॉल्ट ट्रे को कैंसिल कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब हमारा माय ट्रे शिप दिख रहा है। मैच फोटोज, तो मैच फोटो क्या होता है ये देखिए। आपको गूगल में ये इमेज दिख रही है। अगर आप हूबहू आपको इसको 3D मॉडल में बनाना है स्केचअप में तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अभी मैच फोटो के डायलॉग में आपको प्लस का निशान दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम इसको क्रिएट कर देंगे। तो आपको पूछ रहा है कोई भी एक इमेज सिलेक्ट करें। आपको जो भी इमेज का 3D मॉडल बनाना है उस इमेज को आप सिलेक्ट कर दीजिए। तो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है तो ये मैंने सिलेक्ट कर ली। तो इस तरह से आपको कुछ दिखाई देगा मैच फोटो के अंदर। आप चाहे तो ग्रिड ऑन कर सकते हो, इसमें अलग अलग प्रकार की स्टाइल और पैनल्स दिखाई देंगे। ये देखिए रेड एक्सिस, ब्लू एक्सिस और ग्रीन एक्सिस, ये 3D में आपको यहाँ पे काम करना है। तो आपको ये जो ओरिजिन है उसको मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर पे सेट कर देता हूँ। ये हमारा ओरिजिन सेट हो गया, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है, ये जो रेड एक्सिस और जो ग्रीन एक्सिस है उसको हमें सेट कर देना है। मैं फटाफट से इस तरह से सेट कर दूंगा। जितनी जो ये एक्सिस की जो ग्रिड है वो जितनी लंबी खींचोगे उतना अच्छा रहेगा। इस तरह से हमें एक्सिस में बिठाना है। इस तरह से मैंने जो 3 एक्सिस है वो अच्छी तरह से बिठा दी और इसको हमें डन कर देना है, ठीक है। अब हम रेक्टेंगल टूल लेके ओरिजिन से मैंने रेक्टेंगल खींचा। तो इस तरह से हमें रेक्टेंगल है वो इस शेप के फिट बैठ जाएगा। ये देखिए अगर हम पुश पुल टूल से इसको थोड़ा ऊपर खींचते हैं, मतलब इसका बॉक्स बना दिया। अगर आप इसको रोटेट कराएंगे और फिर से ये जो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे H1 में तो ये फिर से आ जाएगा हमारा मैच फोटो। आप चाहे तो उसको लाइन टूल से भी लाइन खींच खींच के भी अच्छा सा मॉडल क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ लाइन ही ड्रॉ करनी है इमेज को देख देख के। तो फिर से H1 में जाता हूँ तो मैच फोटो में आ जाऊंगा। मैं मूव टूल लूंगा और इसको कॉर्नर से पकड़ के इस तरह से मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ, ठीक है, जिससे हमारी जो इमेज पे है वो फिट हो जाए। अब फिर से मैं रोटेट करके देखता हूँ
और इस तरह से मैं मॉडल बना लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा खाली रह गया तो मैं लाइन टूल लेके इसको ठीक कर देता हूँ। फिर से एच1 में जाता हूँ, इस चिमनी को भी मैं इसी तरह से बनाऊंगा। पहले मैंने रेक्टेंगल ले लिया, अब हमें लेना है लाइन टूल। लाइन टूल से हमें इसके की से या लाइन टूल का जो एंड होता है वो हट जाता है। इस तरह से मैं लाइन खींच खींच के इस तरह से चिमनी बनाऊंगा और उसको पुश पुल टूल की मदद से इसको सॉलिड आकार दे दूंगा। ये लीजिए, इसकी चिमनी भी बन गई है। देखिए यहाँ पे हमें राइट साइड पे यहाँ पे दिख रहा है प्रोजेक्ट टेक्सचर्स फ्रॉम फोटो, तो अगर आपको इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ट्रिम पार्शियली विजिबल फेसेस, तो हमें नो करना है। तो ये देखिए जो फोटो का जो मटेरियल था, टेक्सचर था, वो इस मॉडल पे सेट हो गया है। ये देखिए आप देख सकते हो अच्छी तरह सेट हो गया। अब हम पेन टूल लेंगे, अल्टर प्रेस करके हम इसको इस तरह से ड्रॉप कर सकते हो, पिक एंड ड्रॉप। अल्टर से पिक किया और यहाँ पे हमने ड्रॉप कर दिया। इसी तरह से सब में हम टेक्सचर दे देंगे। तो ये देखिए हमारा जो मॉडल है वो बन गया है। अगर हमें यहाँ पे शेडो भी लगाना है तो व्यू में जाके शेडोज को ऑन कर देंगे। तो ये देखिए शेडोज भी अभी आ गया है। तो ये देखिए जैसा गूगल के पिक्चर में था ऐसे ही हूबहू हमने मॉडल बना लिया है। तो ये मैच फोटोज बहुत कमाल का टूल है, यूजफुल रही हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट भी कीजिए।